नमस्कार, आप देख रहे हैं हमीरपुर हलचल। मोहदा कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। कोतवाली क्षेत्र के सिसौली गांव में पकड़ी गई असला फैक्ट्री। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर काफी अरसे से चल रहा अवैध असलाह कारखाना पकड़ा। भारी मात्रा में बने अधबने असलाहे के साथ असलाह बनाने की सामग्री पकड़ी। असलाह फैक्ट्री में भारी मात्रा में असलाह के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। एक मौके से भागने में रहा सफल। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा। हमीरपुर जनपद के मौदहा थाने में आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ा गया है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अनिल कुमार है, दूसरा बलवंत यादव है। काफ़ी दिनों से ये अवैध शस्त्र निर्माण में के कार्य में लगे हुए थे। इनके कब्जे से 12 बने हुए अवैध तमंचे और 5 अर्धनिर्मित तमंचे मिले हैं। भारी मात्रा में इनसे कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री, भट्टी से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर इनसे सामान भी बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि ये अभियुक्त पूर्व भी इस कार्य में लगे हुए थे। इसमें अनिल कुमार के ऊपर पहले से गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत है, जबकि बलवंत पूर्व में शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल में जा चुका है और एक बड़ी अच्छी ये कामयाबी मिली है। और ये गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जा रहा है।